बैंक ऑफ महाराष्ट्र एक ऐसा पीएसयू बैंक है जिसके लोन बुक की साइज पिछले 3 सालों में डबल हो चुकी है। अगर आप किसी भी ऐसे बैंक के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं जहां पर उसके लोन बुक की साइज बढ़ती है, इंक्रीज होती है, तब यहां पर दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि लोन बुक की साइज बढ़ने का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर बैंक का बिजनेस इंक्रीज हो रहा है और इसकी वजह से उस बैंक के शेयर्स में आप लोगों को अच्छे खासे प्रॉफिट दिखाई दे सकते हैं। लेकिन वहीं पर सेकंड इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि किसी भी बैंक के लोन बुक के साइज इंक्रीज होने की वजह से उस बैंक के एनपीएस इंक्रीज हो सकते हैं। एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अगर कोई बैंक अपने कस्टमर को लोन देती है तो उस लोन का रिपेमेंट आना भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और अगर किसी लोन का रिपेमेंट टाइम पर नहीं आता है, 90 डेज तक नहीं आता है, तो उसे इंक्लूड किया जाता है एनपीए में। तो इसी बात को लेकर स्टॉक मार्केट में बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि क्या करंटली बैंक ऑफ महाराष्ट्र के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और अगर आप लोग बैंक ऑफ महाराष्ट्र के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तब यहां पर आपको अट्रैक्टिव अमाउंट ऑफ रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, आखिर कंपनी के फंडामेंटल्स क्या कहते हैं, हर एक चीज के बारे में आज के इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो एज यूजुअल हमारा आज का वीडियो भी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो और आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट्स और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करता हूं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है ना, तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कि कंपनी के फंडामेंटल्स क्या कहते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के शेयर्स की करंट मार्केट प्राइस है 27 रुपीज की। एक दिन में इस कंपनी के शेयर्स के प्राइस 1.99% से गिर चुके हैं। वहीं पर एक हफ्ते की बात की जाए तो एक हफ्ते में इस कंपनी के शेयर्स की प्राइस 0.72% से गिर चुकी है। एक महीने में इस कंपनी के शेयर्स ने 8.28% के नेगेटिव रिटर्न दिए हैं, और अगर आप इस कंपनी के शेयर्स के प्राइस को 1 साल के टाइम पीरियड में देखेंगे तब यहाँ पर 70% के आसपास के रिटर्न्स कमाने को मिले हैं। 5 सालों में इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 108% के रिटर्न दिए हैं, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लॉन्ग टर्म में इस कंपनी के शेयर्स की प्राइस 29% से गिर चुकी है। लेकिन अगर आप इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखेंगे तो इस कंपनी के फाइनेंशियल से भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पता चलेगी। अब जैसे कि आप इनकम स्टेटमेंट को देख सकते हैं, यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज होते जा रहा है, कंपनी की नेट इनकम का अमाउंट भी इंक्रीज होते जा रहा है, और इसी के साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। लेकिन वहीं पर इनकम स्टेटमेंट से आपको दो इंपॉर्टेंट चीजें पता चलेगी। सबसे पहली बात तो यह है कि कंपनी की जो रेवेन्यू की ग्रोथ है वो इंडस्ट्री के कंपैरिजन में काफी कम है। जहां पर अदर बैंक्स का एवरेज निकल कर आता है 7.37 का, वहीं पर इस कंपनी का एवरेज रेवेन्यू ग्रोथ निकल कर आता है 2.9% का। मतलब ये बहुत ही ज्यादा मेजर डिफरेंस है। और इसी के साथ साथ मार्केट शेयर की बात की जाए तो इस कंपनी का मार्केट शेयर भी इंक्रीज होते जा रहा है। 5 साल पहले इस कंपनी का मार्केट शेयर था 2.62% का, अब इस कंपनी का मार्केट शेयर हो चुका है 1.62% का। इसके बाद अब हम चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ, और अगर आप बैलेंस शीट को ऑब्जर्व करेंगे तो एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चलेगी, और वो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जिस तरीके से कंपनी का एसेट इंक्रीज हो रहे हैं ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन वहीं पर अगर आप कंपनी के लायबिलिटीज को देखेंगे, यानी कि कंपनी के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को देखेंगे और अदर लायबिलिटीज को देखेंगे तो इनका अमाउंट जो है वो इंक्रीज होते जा रहा है। और अगर किसी भी कंपनी का डेट यानी कि लायबिलिटी बढ़ती है तो इस कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं होती है। और वहीं पर अगर आप बैलेंस शीट को प्रॉपर्ली ऑब्जर्व करेंगे तो यहां पर आपको पता चलेगा कि अगर आप लोग इस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तब इस कंपनी का जो करंट रेशियो है वो इंडस्ट्री के कंपैरिजन में काफी कम है। यूजुअली किसी भी बैंक का करंट रेशियो कम नहीं होना चाहिए इंडस्ट्री के कंपैरिजन में। अगर किसी बैंक का करंट रेशियो ज्यादा है तो इस चीज का एडवांटेज यहां पर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन वहीं पर अगर आप कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट को ऑब्जर्व करेंगे तो यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पता चलेगी। कंपनी का नेट चेंज इन कैश जो है वो इंक्रीज होते जा रहा है, कंपनी का चेंज इन वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज होते जा रहा है, कंपनी का कैपिटल एक्सपेंडिचर पिछले साल के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। और वहीं पर कंपनी के फ्री कैश फ्लो की बात की जाए तो इस साल कंपनी का जो फ्री कैश फ्लो है वो पॉजिटिव में 6,923 करोड़ का है। लेकिन इसके बाद भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न का। अब जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि कंपनी के शेयर्स को 86% प्रमोटर्स ने होल्ड किया है, 0.28% का इन्वेस्टमेंट किया है म्यूचुअल फंड ने, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने 6.80% का इन्वेस्टमेंट किया है, वहीं पर फॉरेन इंस्टीट्यूशन की बात की जाए तो फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने 1.21% का इन्वेस्टमेंट किया है, और लास्ट बट नॉट द लिस्ट 5.24% का इन्वेस्टमेंट किया है रिटेल इन्वेस्टर्स ने और अदर पार्टीज ने मिलकर। ओवरऑल अगर कंपनी के फंडामेंटल्स की बात की जाए तो कंपनी के फंडामेंटल्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होने की वजह से यहाँ पर आपके लिए इन्वेस्टमेंट करना एक वर्थ ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको सिर्फ एक बात का ध्यान होना चाहिए कि यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म के लिए ही इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आप लोग बैंक के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपको लगता है कि आप लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके अट्रैक्टिव रिटर्न कमाएंगे वो भी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, तो बहुत सारे केसेस में ऐसा बहुत ही मुश्किल से होता है। अगर आप लोग बैंकिंग के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अब यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करने का कंसिडरेशन करना चाहिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए। और लॉन्ग टर्म के लिए भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है 3 साल के टाइम पीरियड से लेकर 5 ईयर्स के टाइम पीरियड के लिए, या अगर आप लोग इससे ज्यादा का भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तब यहाँ पर मेजोरिटी केसेस में आपको अट्रैक्टिव अमाउंट ऑफ रिटर्न्स दिखाई दे सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर आप पीएसयू बैंक्स के शेयर्स को शॉर्ट टर्म में ऑब्जर्व करेंगे तो बहुत बार आप लोगों को शॉर्ट टर्म में नेगेटिव रिटर्न्स ही देखने को मिलेंगे। बाय द वे, डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है,
वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।